शांतिलाल सिंह जी, उनकी सारी टीम और एनसीसी से जुड़े हुए सभी नौजवान साथी, मैं भी आपकी तरह स्कूल में एनसीसी का कैडेट था, लेकिन हमारा कोई अचीवमेंट नहीं था। उन सैकड़ों लोगों में हम भी एक थे, न हमारी कोई पहचान थी, न कोई हमारा ज्यादा रुतबा था उस समय। और न ही शायद हमें दिलावर सिंह जी जैसे कोई ट्रेनर मिले जो हमको कुछ हौसला बुलंद करे, कुछ नया करने के लिए। तो गुजरात एनसीसी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं, उनको अच्छा नेतृत्व मिला है। और यह सही है कि व्यवस्थाओं को विकसित करने में किसी भी काम को गति देने में, उसका व्याप बढ़ाने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। गुजरात एनसीसी में पिछले कुछ समय से एक भारी बदलाव आया है, उमंग नजर आ रहा है, नए नए इनिशिएटिव नजर आ रहे हैं और हमारे कैडेट कुछ न कुछ अचीव करके भी आते हैं। मुझे पहली बार जब मणिनगर में कॉलेज के उद्घाटन के समय आपका से कुछ कैडेट्स मिले थे और जब अपनी वो कथा सुना रहे थे उनके अचीवमेंट्स की, मुझे इतना आनंद हो रहा था। और आज जब मैं दिलावर जी से सुन रहा था तो शायद मुझे भी कागज लेके बैठना पड़ेगा कि हाँ इतने सारे अचीवमेंट है क्या। आप सबको भी संतोष होता होगा, हम जब एनसीसी में थे तो उस समय हमारी स्कूल से एक कैडेट को 26 जनवरी की परेड के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो साल बहुत हो गए लेकिन मुझे मोटा मोटा याद है, शायद उसका नाम सुमन चौधरी था और आजकल शायद वो दूधसागर डेयरी में शायद काम करता था। जैसा मैंने बाद में आकर के ढूंढा कि कहाँ है वो लड़का। तो हम सारे स्कूल वालों को बड़ा गर्व होता था कि उसका यूनिफॉर्म देख करके उसको एक बड़ा बढ़िया सा कोट मिला था तो पहन करके आता था। हम लोगों को बड़ा आनंद होता था, वाह क्या उसने प्रगति की। आप लोग जब जाकर के आए हैं तो आपको तो आनंद होता होगा, लेकिन आपके अगल बगल में जो लोग हैं उनको भी बहुत आनंद होता होगा, अरे वाह हमारा एक साथी इस प्रकार से प्रगति कर रहा है। ज्यादातर जीवन बदलता जा रहा है, बहुतेक लोग अकेले होने में आप आनंद ले रहे हैं, घर में भी अपने कमरे में भी एक टेबल पर भी सिर्फ कंप्यूटर, यानी परिवार में भी कमरे से बाहर नहीं निकलता है। एक प्रकार से स्वयं को काटता चला जा रहा है इंसान। दिमाग कितना ही तेज तरह क्यों ना हो जाए, इंफॉर्मेशन का एवरेस्ट खड़ा हो जाए दिमाग के भीतर, लेकिन उससे जिंदगी कभी सफल नहीं होती है। जब तक आप टीम में काम करने की आदत नहीं रखते,
भिन्न भिन्न रुचि प्रकृति प्रवृत्ति को दिलाकर साथ चल नहीं पाते हो, तो आप जीवन में आगे चल करके कभी सफल नहीं होते। परिवार में भी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत रहती है। आपने देखा होगा कुछ परिवारों में दादाजी ही अभी भी सब कुछ संभालते होंगे, कुछ परिवार होंगे जिसमें पिताजी संभालते होंगे, कुछ परिवार में मां संभाल लेती, लेकिन परिवार में एकाध व्यक्ति चाहिए जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो सबको बांध करके पूरे घर को संसार को चलाता है। व्यापार उद्योग हो तो उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी लगती है, 10 नौकर होते हैं लेकिन एकाध इतना दम वाला होता है कि सारी चीजों को ड्राइव कर जाता है, सबको चला लेता है, यानी मालिक से भी ज्यादा कर लेता है। जीवन की सफलता की पहली आवश्यकता होती है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी का सबसे उत्तम गुण होता है टीम वर्क, टीम स्पिरिट। अगर किसी एक व्यक्ति में कितनी ताकत क्यों ना हो, लेकिन वो टीम पर्सन नहीं है, टेम्परामेंटली वो टीम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो परिणाम नहीं दिखा। एनसीसी में जाने का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो अपने साथियों के बीच रह करके कंधे घिसने का मौका मिलता है, और वो जो ज्यादा अपने कंधे घिसता है साथियों के साथ वो उस ज्यादा क्षमतावान बनता है। कैंप लाइफ हो, परेड हो, छोटे मोटे अन्य कल्चरल कार्यक्रम हो और सोशल एक्टिविटी हो, हमें एक एक्सपोजर मिलता है, किताबी दुनिया से बाहर आने का अवसर मिलता है, और ऑर्गेनाइज वे में मिलता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसमें हमने अपने आप को जोड़ना होता है, और उस फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप अपना दम दिखा सकते हो। वो ऐसा रिजिड नहीं है कि बस अब 6 फुट यानी उसके ऊपर आपकी हाइट है तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप और ज्यादा ऊंचे तो वहां और भी स्वीकृति है, और इसलिए एनसीसी ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए नहीं है, ये सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं है, वो जीवन बनाने का एक अवसर है, दुनिया को देखने का अवसर है, दुनिया को समझने का अवसर है, दुनिया को आत्मसात करने का अवसर है। और वो जो इतना ज्यादा करते हैं उनका जीवन बन जाता है। तो मुझे खुशी है कि गुजरात के नौजवान इतने सारे अचीवमेंट करके आते हैं, वरना यूनिफॉर्म की बात हो, सेना की बात हो, साहस की बात हो, तो ऐसा मान लिया गया है ये दाल भात और लौकी कुछ नहीं छोड़ा। मैं दिवाली के समय सीमा पर जाने की आदत रखता था, वहां जाता था तो मन करता था पूछो कोई गुजराती है क्या, तो पहले तो हंसते थे कि ऐसे क्यों पूछ रहा है, फिर एकाध होता था, हाँ बोले एक भाई हमारे यहाँ, भाई है भाई, भाई शब्द इतना मजाक से बोलते थे क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग होते ही, और अगर है तो उनको अजूबा लगता है, अच्छा ये गुजराती, आप भी एनसीसी में जाते होंगे आपको भी अनुभव होता है, अच्छा आप गुजरात से, क्योंकि गुजरातियां ने जिसकी रगों में रुपया दौड़ता है। उसके दिमाग में व्यापार चलता है, वो स्कूल में भी जाता है। मुझे एक बार किसी ने पूछा था आपके गुजराती लोग सरकार की नौकरी में नहीं आते हैं, अफसर नहीं बनते हैं, सेना में नहीं जाते, क्या कारण है? मैंने कहा भाई वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो स्कूल जाता है तो 2 किताब के बीच में पैंट पीस लेकर के जाता है और शाम तक में पैंट पीस बेच करके आता है, उसकी जेब में 2 पैंट रखता है, जब तक शाम तक 1 पैंट बेच करके नहीं आता है उसको चेन नहीं पड़ता है। व्यापार उसकी प्रकृति में है, एंटरप्रेन्योरशिप उसकी क्वालिटी है,
लेकिन उसी के साथ एक्सपोजर और साहस जुड़ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे अभी अमेरिका से एक सज्जन मिलने आए थे, शायद आप वेबसाइट पे जाओगे तो उनका उनकी जानकारी मिलेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो 50 प्लस के बाद एवरेज जाते हैं, बहुत कम होते हैं। अब वो गुजराती व्यक्ति, वो भी जैन जिसने कभी नॉनवेज चखा नहीं है, और वो भी अमेरिका में सुखी जीवन जीने वाला, और उसने इस उम्र में अभी एवरेज सर किया। मैंने उसको बुलाया, पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले मेरा मन करता था तो मैं चल गया, डॉक्टर है वो। मैं फिर उसकी वेबसाइट देखी तो मैंने देखा ये कई जगह पे दुनिया में जहां जहां इस प्रकार से जाने का मन रहा है वो चलता रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, अगर हम थोड़ा इस अवसर का फायदा उठाकर के अगर इन चीजों को करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। आप सबने गुजरात का नाम रोशन किया है, सब साथ यहां उपस्थित हो या ना हो, जो भी जहां हो, मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई देना। और आगे चल करके हम बहुत कुछ काम नए तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। अगर हम एनसीसी के कैडेट हैं और पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में और नौजवान इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पर वो काफी सक्रिय होता है, लेकिन अभी उसको दिशा न होने के कारण पता नहीं वो क्या करता होगा, क्या कुछ उसके यहां आता हो और क्या कुछ जाता होगा पता नहीं। लेकिन अगर हम एनसीसी के करें तो वन नेशन वन पीपल वन मिशन, इस मिजाज से मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं कि हमारी तरफ से अच्छी बातें पूरे देश में फैलती रहे, देशभक्ति की बातें फैलती रहे, देश के लिए कुछ अच्छा करने वाली बातें फैलती रहे। देश में कहीं पर भी अच्छी घटना हुई है तो एनसीसी कैडेट होगा तो उसके मोबाइल से आएगी आएगी, दुनिया में पहुंचेगी पहुंचेगी। मैं समझता हूं ऑर्गेनाइज व्यवस्था से हम कितना बड़ा रोल कर सकते हैं। एक प्रकार से पूरे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी देशभक्ति के नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। और दिलावर सिंह जी जैसे लोग हैं जो बड़े क्रिएटिव हैं तो जरूर कुछ लोग इसमें से निकालेंगे और कर सकते हैं। और हम यानी कभी कभी हमने देखा है कि हमारे देश के कोई बड़े महापुरुष भी वैज्ञानिक हो गए होंगे, लेकिन कभी हमें उनका जन्मदिन का व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं नजर नहीं आता। लेकिन कोई सिने कलाकार का कुछ हुआ होगा तो चारों तरफ चलता रहता है, वो चले वो बुरा है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ये भी चले। अगर मान लीजिए हमें अखबारों पढ़ा कि आज फलानी जगह पर हमारे देश के सुरक्षा करते हुए जवान शहीद हुआ, तो हम क्यों उसकी फोटो कहीं से ढूंढे, फोटो लगाएं, उसको सैल्यूट करें और सारे हिंदुस्तान में बात को पहुंचाएं, क्यों ना पहुंचाएं। प्रेरणा इसी से मिलती है। आप लोगों के अचीवमेंट होगी, क्यों ना हम सबके अचीवमेंट को उनकी फोटो के साथ, यस ये हमारा गौरव है। इस बार 26 जनवरी की परेड में हमारा एक सैनिक एनसीसी का कैडेट गया था, ये करके आए, गुजरात इसके लिए गर्व करता है। एक नए नई विधाओं को हम कैसे लाएं, आधुनिक विज्ञान को हम कैसे उपयोग में लाएं, उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। कभी मुझे लगता है कि जो हैंडीक्राफ्ट सर परमात्मा ने जिनको कुछ ना कुछ कमी दी है, क्या उनके लिए कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या? क्योंकि एनसीसी में मजबूत और शरीर से अच्छे लोगों के लिए एक जगह होती है, लेकिन एनसीसी के लोगों में संवेदना होती है। जैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पैसे आपने भेजे, वो संवेदना नहीं होती तो नहीं भेजते। क्या हम इस प्रकार से शारीरिक रूप से कोई ना कोई कमी है,
उनके लिए हम कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में उनको फील होगा, हाँ भाई मैं भी एनसीसी के कैडेट के साथ खड़ा रह सकता हूँ, मैं उसके साथ चल सकता हूँ, कुछ ऐसा। मुझे अभी खुद को ध्यान नहीं आता क्या हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको इस प्रकार के एक स्पर्श की जरूरत है, और जिसके अंदर ज्यादा आत्मविश्वास है उसका स्पर्श जब उसको मिलता है तो नई ताकत बन जाता है, क्योंकि वैसे उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति को हमारी इस ताकत के साथ कैसे जोड़ा जाए, अगर उस पर कुछ अगर हम सोच सकते हैं तो सोचना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुजरात की विकास यात्रा में, आप सबको मेरा निमंत्रण है, आप सब मिलकर के आइए गुजरात को और हम आगे बढ़ाएं, आप भी बहुत प्रगति करें, गुजरात का नाम रोशन करते रहें। मेरी तरफ से जिन जिन लोगों ने एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी कैरियर बनाई है उनको बधाई, जिन्होंने समय समय पर विजय प्राप्त किए हैं उनको बधाई, जो आज नए सपने देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।